जिस मंच के सामने मैं खड़ी हूँ वो कोई आम मंच नहीं है, ये वो मंच है जहाँ बीते हुए दिनों में बड़े बड़े कलाकारों ने परफॉर्म किया है। 60-70 के दशक के बेहतरीन और दिग्गज कलाकारों ने इसी मंच पे अपना परफॉर्मेंस दिया। हम हैं द बंगाल क्लब जमशेदपुर। किशोर कुमार से लेकर हेमंत मुखर्जी तक, मन्ना दे से लेकर आशा भोसले तक, और यहाँ तक कि बापी लहरी से लेकर जादूगर पीसी सरकार तक, सभी ने समय के किसी न किसी पड़ाव पर इसी मंच पे अपने निशान छोड़ गए हैं। बंगाल क्लब को इस शहर का कल्चरल हब माना जाता रहा है। इस क्लब में ऐसी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई है जो इस शहर के जहन में बसा हुआ है। ये क्लब इस साल 100 साल पूरे कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं इसके बीते हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों को फिर से जीने की। जमशेदपुर के जो एंथुजियास्टिक यूथ्स थे, बंगाली यूथ्स, उसमें कुछ टाटा स्टील, मैंने उन दिनों का टिस्को लिमिटेड के ऑफिसर भी थे, ये लोग उन दिनों काली बाबू का होटल बोल के एक होटल हुआ करता था, और वो काली बाबू का होटल साक्षी में वो हुआ करता था सैंड लाइन का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अभी का जो सैंड लाइन है, वहीं बैठ के वो लोग, जिसे हम लोग हिंदी में अड्डाबाजी बोलते हैं, बट देन नॉट इन ट्रू सेंस ऑफ अड्डाबाजी, दे वर रियल स्कॉलर्स, वो लोग साहित्य के बारे में, नाटक के बारे में, बंगाली कल्चर के बारे में लोग डिस्कस करते थे। इसी से इंस्पायर्ड होकर लोग सोचे क्यों नहीं एक क्लब करें हम लोग। तो उसके सामने ठीक वहाँ पर एक प्रसाद सिंह बोल के जेंटलमैन थे, उनके घर के डॉट ऑपोजिट में जो सैंड लाइन, जो अभी का सैंड लाइन रोड है, उसमें एक हट में ये क्लब का प्रतिष्ठा हुआ, जिसका नाम वो हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब को ट्रांसफॉर्म करके बंगाल क्लब जब जमीन एक्वायर हुआ, बिल्डिंग बना, उन दिनों दो रूम का एक बिल्डिंग बोलिए, हट बोलिए, और एक बीच में कनेक्टिंग एक बरामदा था 6 फीट का, इसी में मेंबर खुश थे, इसी में ही लोग सब अपना कल्चरल एक्टिविटीज जो भी करते थे। उसके बाद धीरे धीरे नाटक का जो प्रयोजन, उस समय जमशेदपुर शहर में नाटक का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, संगीत से ज़्यादा था, तो नाटक में वहाँ पर उन दिनों अक्षय सेन बोल के एक हमारे मेंबर थे, पूर्वज, उनका ही वॉज ऑब्सेस्ड विथ नाटक। कहा जाता है कि वो अपने स्क्रिप्ट लिखते थे और वो अपने ही जो मंच सज्जा जिसको बोलते हैं उसको सजाते थे, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से ये हॉल बना। बंगाल क्लब के लिए 100 साल का ये सफर आसान नहीं था। इस क्लब को एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, और क्योंकि ये बिल्डिंग पूरा जर्जर हो चुका था, तो कमिटी मेंबर्स ने, इनके चाहने वालों ने बहुत मेहनत मशक्कत करके फंड्स भी अरेंज किया ताकि ये बिल्डिंग आज जिस स्थिति में है वैसा परिपूर्ण लग सके। बीच में एक स्कूल को ये लोग लेट आउट कर दिए, हॉल को, एक स्कूल चलाते थे जिसका नाम था सेंट जॉन स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें करीब 800 से 1000 स्टूडेंट थे। उन्होंने धीरे 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 पूरा बंगाल क्लब कैप्चर कर लिया, तो हम लोग जमशेदपुर कोर्ट में उनका एविक्शन का सूट फाइल किए, हम लोग वहाँ पर जीते, उन्होंने अपील किया, वो अपील भी डिसमिस हो गया उनका, हम लोग जीते। 2013 में कुछ सीनियर मेंबर्स मेरे घर में आए और हमको वो लोग इंसिस्ट किया कि आप प्रेसिडेंट बने। उस समय का जो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स थे प्लस एंटायर बंगाल क्लब के जितने मेंबर्स थे, इन लोगों का कोशिश में हम लोग धीरे धीरे उनका कायाकल्प जिसको बोलता है चेंज बदली किए हम लोग, और उस सिलसिले में एक नाम हमको ज़रूर बोलना चाहिए, वो है मिस्टर आनंद सेन। आनंद सेन जो टाटा स्टील के उन दिनों प्रेसिडेंट होकर रिटायर किए थे, वो उस समय ब्लूस्कोप के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। उन्होंने हमको ब्लूस्कोप का पूरा छत बना के दिया। काफ़ी सारे दिक्कतों और संघर्ष के बाद ये लैंडमार्क आज बहुत सारे फैसिलिटीज से परिपूर्ण है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंकेट हॉल और आचार्य नंदलाल बोस आर्ट गैलरी। साक्षी का ये क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं है, एक कॉन्क्रीट नहीं है, ये एक इमोशन है। ये वो इमोशन है क्योंकि बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ इसी क्लब में, इसी के स्टेज पे
अपने परफॉर्मेंसेस, अपने डांस परफॉर्मेंसेस, अपने सिंगिंग परफॉर्मेंसेस से अपने करियर की शुरुआत की है। इस सेंटेनरी ईयर की शुरुआत बिंगा क्लब ने बंगाली न्यू ईयर्स डे से शुरू कर चुका है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसके कला के प्रति झुकाव ऐसे ही बरकरार रहे। टीवीसी हेरिटेज स्टोरीज में हम कोशिश करेंगे आप तक वो कहानियाँ पहुँचाने की जो समय की सिलवटों में कहीं खो सा गया है। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।